बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में है, जो कि स्केट्स और रेज के बारे में पूछे जाते हैं, पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो नेक्स्ट हम इनको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ अ स्केट? बेसिकली स्केट होता क्या है? स्केट्स आर दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड फिश। बेसिकली फ्लैटेंड होती है, आप इसकी पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये फ्लैटेंड बहुत फ्लैटेंड फिश है डेट आर क्लोजली रिलेटेड टू द शार्क्स। बेसिकली ये शार्क से रिलेटेड करती हैं। ऑल आर कंसिडर्ड टू बी विद इन अ क्लोजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ अ फिश कॉल्ड इलास्मोब्रैंकस। यानी कि इलास्मोब्रैंकाई की जो क्लासेस हैं उसमें ये एक क्लोजली रिलेटेड ग्रुप है। स्केट्स आर क्लासिफाइड इनटू द ऑर्डर रेजिफॉर्म्स। बेसिकली रेजिफॉर्म्स से जो है इनके अंदर इनकी क्लासिफिकेशन रेजिफॉर्म के ऑर्डर में की गई है। तो स्केट्स बेसिकली होती तो शार्क से ही रिलेटेड जो है ये उसी से क्लोजली रिलेटेड हैं और उन्हीं के साथ इलास्मोब्रैंकाई में ही इसका जो है वो इनको हम पढ़ते हैं। इनके इलास्मोब्रैंकाई में हमारे पास शार्क्स आ जाती हैं, स्केट और रेज आ जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ रे? रेज आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड फिश डेट आर क्लोजली रिलेटेड टू द शार्क्स। बेसिकली ये भी हमारे पास शार्क्स से ही रिलेटेड हैं और क्लोजली रिलेटेड ग्रुप जो है इनका वो इलास्मोब्रैंकाई है, ये भी हमारे पास इलास्मोब्रैंकाई में आती हैं। तो रेज बिलोंग टू थ्री साइंटिफिक ऑर्डर्स, रिस्टिफॉर्म, सेकेंड हमारे पास ऑर्डर माइलियोबिटी फॉर्म्स हैं एंड टॉर्पिडनी फॉर्म्स। तो ये हमारे पास थ्री ऑर्डर थे और ये इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि रे हमारे पास बेसिकली क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ द रेज एंड स्केट्स आर देयर? ठीक है, कितनी स्पीशीज जो हैं रेज और स्केट्स की वो पाई जाती हैं? देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 500 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द रेज एंड स्केट्स डेट आर डिवाइडेड इनटू 18 फैमिलीज व्हेन साइंटिफिकली क्लासीफाइड। यानी कि हम इनको क्लासीफाइड जब करते हैं तो हमारे पास 500 इनकी स्पीशीज और 18 फैमिलीज होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। व्हाट डज रे एंड स्केट स्किन फील लाइक? ये बेसिकली सैंड पेपर की तरह होती हैं, रेक माल टाइप का स्ट्रक्चर होता है और इनकी बॉडी के ऊपर जो है थॉर्न्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं जो कि डिफेंस का काम करते हैं। ठीक है, द स्किन फील्स एग्जैक्टली लाइक सैंड पेपर बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ टाइनी टीथ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डर्मल डेंटिकल्स। बेसिकली क्या होते हैं, डेंटिकल्स कहलाते हैं डर्मल। स्किन जो होती है स्केट की, मे ऑल्सो पोजेसेस द थॉर्न्स विच हेल्प टू डिफेंड देम फ्रॉम प्रेडेटर्स। वही बात आ गई, स्किन की स्किन पर थॉर्न्स और स्पाइंस होते हैं जो डिफेंस का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द रेज एंड स्केट? द मेजर डिफरेंस बिटवीन द रेज एंड स्केट इज इन देयर रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज। बेसिकली जो मेन इसका जो है डिफरेंस है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज में होता है। यानी कि रिप्रोडक्टिव जो है रिप्रोडक्शन जो है उसमें इनका डिफरेंस आता है। जो हमारे पास रेज होती हैं वो हमारे पास बेसिकली विवीपैरस होती हैं और स्केट्स जो होती हैं वो ओवीपैरस होती हैं। यानी कि डेट रिलीजिंग देयर एग्स इन द हार्ट रेक्टेंगुलर केसेस समटाइम्स कॉल्ड मरमेड पर्सेस। कुछ टाइम ऐसा होता है कि मरमेड पर्सेस का नेम इनको दिया जाता है जो कि रेक्टेंगुलर केसेस होते हैं जिनमें एग ले होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इनकी रिप्रोडक्शन में ही डिफरेंस है और मेन कोई डिफरेंस है नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर ऑल रेज कंसिडर्ड स्टिंग रेज? क्या जितनी भी रेज हैं उनको हम स्टिंग रेज कंसिडर्ड कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जो स्टिंग रे होती है वो स्पेशल टाइप की एक रे होती है और अलग जो दूसरी रेज होती हैं उनमें इलेक्ट्रिक फिशेज आ जाती हैं, बटरफ्लाई रेज आ जाती हैं, राउंड रेज, मेंटा रेज आ जाती हैं, तो साफ फिश आ जाती है, गटर फिश आ जाती है। तो ये हमारे पास बेसिकली स्पेशल टाइप की फिश होती है स्टिंग रे, तो इसको हम इंक्लूड नहीं ये नहीं कह सकते हम कि सारी जो रेज होती हैं वो स्टिंग रेज होती हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।